ये देखिए अभी अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा गाइस, बंसूरा सागर डैम जो है वो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट डैम है। माउंटेन्स तो सपने जैसा दिख रहा है, देखो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। जो क्लाइमेट है यहाँ का, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, धूप जरा भी नहीं है, मौसम बहुत ही अच्छा है। सबसे खराब चीज हम सब यूट्यूबर के लिए, ड्रोन कैमरा इज प्रोहिबिटेड। गाइस देखो, ये सब चीजें जो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, मैंने मोस्टली ये सब चीजें कर चुका हूँ। ये डैम इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, ये इसका एक खासियत है। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे बाइक पार्किंग है और यहाँ पे है एंट्री बानासुरा डैम का। तो चलो अंदर चलते हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ है मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे बताता हूँ। ये देखो 80 रुपीज़ है टिकट का। तो चलो अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। गाइस बंसूरा सागर डैम जो है वो एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट डैम है। तो चलो अंदर से कैसा दिखता है देखते। तो गाइस ये डैम का जो फीट है वो 126 फीट है, जैसे आप मेरे पीछे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अगर मौका मिले तो एक बार ये डैम में ज़रूर आपको विज़िट करना चाहिए। चलो ऊपर जाके देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने। सबसे ख़राब चीज़ हम सब यूट्यूबर के लिए, ड्रोन कैमरा इज प्रोहिबिटेड। असली एक मज़ा तो इधर ड्रोन का ही आता है, लेकिन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इसलिए ड्रोन यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ ऊपर से, जो कि बहुत बढ़िया है। गाइस यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, देखो कुर्सी सब भी रखा हुआ है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ताकि आप आराम से बैठ सके और आराम कर सके। देखो ये आवाज़ बार बार मेरे को लग रहा है ड्रोन का आ रहा है, लेकिन वो है ज़िपलाइन का है। देखो वहाँ पे चालू है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखो ये देखिए अभी अच्छे से आप लोग को दिख रहा होगा, कितना कूल लग रहा है उसके अंदर, मज़ा आया। माउंटेन्स तो सपने जैसा दिख रहा है, देखो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, वाओ। ग्लेयर्स वगैरह पहनोगे तो यहाँ का जो खूबसूरत एनवायरनमेंट है वो आप इतना फील नहीं कर पाओगे जितना आप बिना चश्मे के फील कर पाओगे, इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कम से चश्मा निकाल दो। नहीं एक्चुअली क्या है, अब देखो धूप छाँव क्या होता है, मौसम में धूप और छाँव ऐसा होता रहता है, इसकी वजह से अगर माउंटेन पर वगैरह जाते होंगे तो आपको चश्मा इंपॉर्टेंट है। हिल स्टेशन सब यंगस्टर लोग, सब बड़े उम्र के लोग इस तरफ जा रहे हैं डैम की तरफ, और सब यंगस्टर लोग देखो वाटर फोर्ट ये सब इस तरफ है, तो इस तरफ में जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे मुझे एक नेचुरल पार्क दिख रहा है, एक वोटिंग पॉइंट दिख रहा है। हाँ फिशिंग स्पा वो तो ठीक है, काम का नहीं है। हाँ चलते फिलहाल स्ट्रेट, चलो जाके देखते हैं अभी और क्या क्या है यहाँ पे। तो गाइस देखो ये सब चीज़ें जो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं, मैंने मोस्टली ये सब चीज़ें कर चुका हूँ, तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जिसको आना है ये नंबर पे कॉल करके आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं, प्राइस वगैरह पता कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे चल रहा है ऑलरेडी बोटिंग वगैरह, जैसे आप देख सकते हैं। और ये डैम जो है ना, वायनाड जो सिटी मेन सिटी है वहाँ से करीब 26 किलोमीटर दूर है, और ये डैम इंडिया का सबसे बड़ा डैम है, ये इसका एक खासियत है। और भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा डैम है। और ये जो रिवर दिख रहा है ना पीछे, ये रिवर काबेरी रिवर बोलते हैं इसको। बारिश के टाइम में जो है ना, रेनी सीजन के टाइम में जो है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ आता होगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। नॉर्मली हम लोग जितने भी डैम हम लोग गए हैं, जैसे मैं गुजरात में गया था नर्मदा डैम, तो वहाँ आपको ऐसा फोटो सेशन के लिए ऐसा कुछ आपको स्पेस वहाँ मिलेगा, यहाँ पे क्या स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप आते हैं पूरी फैमिली के साथ तो फोटो वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात जो क्लाइमेट है यहाँ का, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, धूप जरा भी नहीं है, मौसम बहुत ही अच्छा है,
होती है, ये इसका यूएसपी है। छोटी मोटी एक्टिविटी भी यहाँ पे होती है, जिपलाइन एक्टिविटी वगैरह आप करवा कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको यहाँ से अगर वोटिंग वगैरह भी करना हो तो वोटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी इतना ही है, और कुछ तो था नहीं यहाँ पे। तो गाइस ये जगह का पूरा एक्सपीरियंस आपको हम लोग के साथ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते अगले ऐसे ही कोई मजेदार जगह पे। बाय, टेक केयर।